देखिए बन के पूरा जो है बन के पोल में तैयार है। देखिए लाइन वायर, ये देखिए पावर है। तो इसमें जो है ये देख रहा हूँ, नीचे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले राउटर से कनेक्ट करके बहुत लोगों ने बोला कि डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाइए। तो ये देखिए 85-86 dBm में 32 Mbps तक टच किया है। बैंड वन पे 33-34 तक टच कर दिया है, क्या बात है। यानी ये राउटर हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस नई वीडियो में हम नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि है एक सबसे सस्ता राउटर, सिम राउटर। ये मुझे 2000 का पड़ा हुआ है जो है अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया है। चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ये देखिए सबसे सस्ता कोव का पीस फॉर लाइफ 4G+ डिवाइस कोव सिम बेस डिवाइस वाईफाई। ये देखिए ईथरनेट केबल, पावर केबल, वारंटी कार्ड प्लस मैनुअल। ये देखिए 5,5100 रुपये इसकी MRP पड़ी हुई, मगर मुझे अमेज़ॉन का 2000 रुपये का पड़ा है। तो इसको मैंने इसलिए मंगाया है, हम सोच रहे हैं इसको भी ट्राई करके देख लें क्योंकि बहुत लोगों का बजट जो है उस राउटर पे जा नहीं रहा था अच्छा। तो इस राउटर पे बजट थोड़ा कम है तो 2000 के अंदर ये राउटर आपको मिल जाएगा। तो इस राउटर को एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट्स रहेगा मेरे छत पे, क्योंकि उन राउटर्स का जो हमने देख चुके हैं। देखिए ये राउटर है, यहाँ पे एक ईथरनेट पोर्ट है, एक जो है पावर वाला है, ये यहाँ पे सिम लगती है। देखिए सिम रीसेट बटन, DC 5 वोल्ट 12 वोल्ट लाइन केबल। ये ओवरऑल एक राउटर है जो कि सबसे सस्ता है कोव का मेरे हिसाब से, सिम बेस्ड राउटर। और इसमें हम जो है अपनी सिम डाल के देखेंगे कि इसमें कितनी पावर आती है, यानी इसमें कितनी स्पीड आती है और क्या इसके डिटेल्स है, सभी चीज़ों के पूरा लाइन के थ्रू पता करके आपको दिखाएंगे। तो इसको चलिए अब जो है पावर ओवर ईथरनेट से कनेक्ट करके आपको छत पे लगा के दिखाएंगे। पहले पावर ओवर POE निकाल लेते हैं और बता देते हैं आपको पावर ओवर ईथरनेट कैसे लगेगा। ये देखिए POE है, पावर ओवर ईथरनेट एक यहाँ पे लग जाएगा, लाइन ये यहाँ पे लाइन केबल के थ्रू यहाँ नीचे निकल आएगा। ये चीज़ तो मैंने पुरानी वीडियोस में बता ही रखा है। तो यही चीज़ हम इसको पोल में ट्राई करेंगे, पोल में बांध कर खड़ा करें तो उससे रिजल्ट का पता लगाएंगे कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए अब छत पे चल के आपको इसको लगा के दिखाते हैं। सो ये देखिए हम छत पे आ गए हैं और छत में इसमें जो है ये सिम इंसर्ट कर रहे हैं। वोडाफोन VI की सिम जो है इसमें मैंने इंसर्ट कर दी है। ये देखिए ऐसे इजेक्ट करते हैं, ऐसे इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। और इजेक्ट करने के बाद जो है ये देखिए जो पावर POE ऐसे लगा देते हैं, पावर वाला और डेटा वाला दोनों लगा के यहाँ पे मैंने इस पोल में ऐसे रख दिया है और इस एल्युमिनियम वायर से इसको बांध देंगे अच्छे से। ये देखिए भाई POE निकाल लेते हैं तो लगाए पकड़ के अच्छे से इसको जो है सबसे ऊपर पोल में, आयरन पोल है लंबा सा, इसमें जो है बांध देते हैं अच्छी तरह से कि जिससे ये गिरे ना। ध्यान रहे अच्छे से बांध दीजिए नीचे से ऊपर से, और ऐसे बांधिए कि दोनों चीज़ की जगह बची रहे, यानी पावर ओवर ईथरनेट लगाने के लिए लाइन केबल और वो लगाने के लिए जगह रहे कि साइड साइड में, इसीलिए मैंने ऐसे बांधा है। उसके बाद एल्युमिनियम वायर से ऐसे उसको पूरा घुमा के
टाइट कर दिया है जिससे ये प्रॉपर तरीके से खड़ा रहेगा, उसमें जो है कोई इशू भी नहीं आएगा क्योंकि एंटीना है नहीं कोई। ये देखिए मजबूती से टाइट हो गया है, अब कहीं जा नहीं रहा है। मैंने जो है ये देखिए पावर ओवर इथरनेट लगा देते हैं, ये जो है पावर वाला लगा देते हैं। अब इसमें जो है हम लैन वायर, ये देखिए नीचे से जो मेरा लैन आया था पोल में ऊपर तक, इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा, तो इसमें जो है हम पावर ओवर इथरनेट लगा देते हैं। इसमें जो है इसमें ये देखिए बन के पूरा जो है बंध के पोल में तैयार है। देखिए लाइन वायर, ये देखिए पावर है, तो इसमें जो है ये देखिए लाइन वायर मेरी इतनी लंबी आई है, वहाँ से पोल में बंधी हुई है। अब चलिए इसको खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसको जो है प्रॉपर तरीके से जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम DBM सिग्नल आ रहा था वहाँ पर मैंने खड़ा किया है। और खड़ा करते देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको चलिए हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे चेक करेंगे कितनी स्पीड आ ही रही कितनी नहीं। इसी तरह से मैंने टेढ़ा टेढ़ा क्योंकि इस यही एक पोजीशन है जिस पोजीशन पे लगभग मुझे 75-76 DBM सिग्नल तक मिला है, तो फ़ोन की स्क्रीन पे चल के आपको आप दिखाते हैं कि कितनी स्पीड मुझे मिली है डायरेक्ट यहीं से कनेक्ट करके। तो ये देखिए हम अपने फ़ोन की स्क्रीन में आ गए, COF A2 ये देखिए कनेक्टेड है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देख लीजिए जो है एक्सेलेंट है। अब ज़रा इसका स्पीड टेस्ट करते हैं ओकला वाले टेस्ट पे। पहले जो है देखिए होम स्क्रीन पे उसके कोफ के होम पेज पे आ गए हैं, लॉगिन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद ये देखिए बैंड वन पे जो है 86-85 DBM सिग्नल मिल रहा है। चलिए स्पीड टेस्ट पे चलते हैं और स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। ये डायरेक्टली मैं छत पे कर रहा हूँ, नीचे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले राउटर से कनेक्ट करके मैं बहुत लोगों ने बोला ही डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाइए। तो ये देखिए 85-86 DBM में 32 Mbps तक टच किया है बैंड वन पे, 33-34 तक टच कर दिया है, क्या बात है। यानी ये राउटर भी अच्छा है मेरे हिसाब से, कंक्लूजन यही निकला है कि ये देखिए अपलोडिंग स्पीड भी अच्छी आ रही गांव लो प्राइस में, जो कि ये एक अच्छा राउटर है यूज कर सकते हैं एंटीनास के बिना है, मगर जो है स्पीड अच्छी आ रही है, कुछ तो अच्छी चीज़ दी है इसने तभी तो इतनी अच्छी स्पीड आ रही है। तो कमेंट करके बताइएगा। सो अब हम जो है घर से बाहर निकल आए हैं, यहाँ पे थोड़ी दूर पे 100 मीटर होगा, 100 से 150 मीटर देखिए वीडियो में दिखा रहे हैं, और यहाँ तक इसकी रेंज आ रही है। और रेंज चेक करके हम स्पीड टेस्ट चेक कर रहे हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया लिख के आ गए, VI India घर से थोड़ा दूर आए हैं। यहाँ पे भी जो है 150 मीटर हुआ एकदम सीधे, 100 मीटर मान के चलिए 38-39 Mbps टच कर रहा है, यानी कि अच्छा ही है प्रोडक्ट कह सकते हैं कि 2000 में आपको अगर अच्छा राउटर चाहिए तो ये बेस्ट राउटर रहेगा। सिम वाला लगा सकते हैं आप अपने गांव में यूज कर सकते हैं। वो देखिए वहाँ पे पोल पे लगा है, मैंने एक फ़ोटोग्राफ भी डाली है, और ये देखिए रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग है मेरे फ़ोन की इसको दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो है अगली जो वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी तो उस पर जो है आपको दूसरे सिम का स्पीड टेस्ट भी दिखाएंगे। और बाकी अगर आपको परचेज़ करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।